अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आज हम चैप्टर फोर्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स और हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ये टॉपिक एलाबोरेट करने से पहले डिस्कस करने से पहले हमारे लिए कुछ नए वर्ड्स जानना जरूरी है जिसमें नंबर फर्स्ट लस्टर है, नंबर सेकंड ट्रांसपेरेंट, नंबर थर्ड ट्रांसल्यूसेंट, नंबर फोर्थ ओपेक, नंबर फिफ्थ सॉलेबल, नंबर सिक्स्थ इनसॉलेबल। ये हम स्टार्ट करेंगे लस्टर। लस्टर क्या होता है? लस्टर इज ए सब्सटेंस और ए कोटिंग और ए पॉलिश यूज्ड टू इम्पार्ट शीन और ग्लॉस और ल्यूमिनस ब्राइटनेस। ये एक सब्सटेंस होता है और मटीरियल होता है जिसको हम कोटिंग के तौर इस्तेमाल करते हैं या किसी मेटल पे पॉलिश के तौर इस्तेमाल करते हैं जिससे उसमें चमक आ जाती है, शीन आ जाता है और ग्लॉस GLOSS इट्स नॉट ग्लास इट्स ग्लॉस और ल्यूमिनस ब्राइटनेस जिनसे वो चमकीले साबित होते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट आर दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट पासिस इजिली। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं या मटीरियल्स हैं जिनसे लाइट इजिली पास होती है। आर योर बुक कोट्स इट एज द मटीरियल्स थ्रू विच वी कैन सी इजिली। ये वो मटीरियल्स होते हैं जिनसे हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आर वी कैन से दैट जिनसे लाइट आसानी से पास होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिलास है, शीशा है जो हम खिड़कियों में लगाते हैं। बट You should keep it in mind. आपको ये जहन में होना चाहिए कि it should be plain glass. Colored glass से हम अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं। Colored glass हम translucent objects में लिख सकते हैं, वहां पे वो example दे सकते हैं। It is glass clear water. आपकी बुक ने लिखा है water, but I used the term clear water. क्योंकि clear water muddy water से हम नहीं देख सकते हैं। White प्लास्टिक, व्हाइट प्लास्टिक जो हम खिड़कियों में इन एज दिस ग्लास यूज करते हैं, खिड़कियों में हम शीशे की जगह उसको इस्तेमाल करते हैं, मगर वो व्हाइट प्लास्टिक होता है, वो भी ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट पासिस पार्शली जिससे लाइट पार्शली पास होती है। आर योर बुक कोट्स द मटीरियल्स through which we can see partially, जिससे हम partially देख सकते हैं। For example, हमारे पास एक example है जो हम खुद बना सकते हैं। अगर if we put few drops of oil on a paper, अगर हम plain paper पे, white paper पे कुछ तेल के कतरे डालेंगे तो फिर वो translucent बनता है। उसमें light, थोड़ी light pass होती है। उस तेल की जगह अगर हम देखेंगे तो थोड़ी light pass हो सकती है, उसमें हम clearly उससे नहीं देख सकते हैं। दूसरा, we can take half muddy water। एक तो full muddy water होगा जिसमें ज्यादा मिट्टी लगी होती है, उससे बिल्कुल ही light pass नहीं होती है, वो opaque object आता है। मगर translucent में हम थोड़ा अगर मिट्टी हम मिलाएंगे पानी में तो उसमें थोड़ी लाइट पास होगी। उसके बाद है ओपेक ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स, इनको हम लेते हैं। इट्स डेफिनेशन इज मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट डज नॉट पास एट ऑल। इनके बीच लाइट बिल्कुल नहीं पास होती है। और हम दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल, जिनके बीचों बीच हम नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल, वॉल ऑफ योर हाउस और वॉल ऑफ योर रूम, वॉल ऑफ योर स्कूल और वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, या मेटलिक बॉक्स, टिन का संदूक होता है या लकड़ी का संदूक होता है, उसके बीच भी हम नहीं देख सकते हैं। इसके बाद सॉलेबल मटीरियल्स और सॉलेबल सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, जब हम इनको पानी में डालते हैं तो ये कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं, इनका वहां पे कोई निशान भी नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट अगर हम पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीटली डिजॉल्व होता है, अगर हम शुगर के एक दो चम्मच पानी में डालेंगे ये कंप्लीटली डिजॉल्व होता है। आगे जाके हम ये देखेंगे कि कितना शुगर या सॉल्ट कितने पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व होता है। इसके बाद नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस।
कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं, अगर आप देखोगे वेयर हैविंग डिफरेंट और वेयर हैविंग वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम योर रूम, स्टार्टिंग फ्रॉम योर होम, अपने घर से अपने कमरे से अगर आप स्टार्ट करोगे, वेयर हैविंग वेराइटी ऑफ क्लोथ्स इन योर रूम, आपके कमरे में आपके घर में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स होते हैं, दो दे आर मेड अप ऑफ एट सम टाइम्स ऑफ द सेम मटीरियल. अभी हम वूलन क्लोथ्स यूज करते हैं, ये एक ही मटीरियल के बने होते हैं, बट दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये डिफरेंट शेप्स के बने होते हैं, डिफरेंट शेप्स में तैयार किए हुए होते हैं. वेयर हैविंग अदर मटीरियल्स, अगर आप रोड पे नजर दौड़ाओगे तो रोड पे आप देखोगे ब्लॉक कार्ट और बुल कार्ट और हॉर्स कार्ट, आप एक बाइसिकल देखोगे या साइकिल देखोगे, आप एक स्कूटर देखोगे, आप एक स्कूटी देखोगे, यू विल सी ए कार ए बस डिफरेंट थिंग्स. और अगर आप अपने किचन में देखोगे यू विल फाइंड डिफरेंट कुकिंग यूटेंसिल्स, डिफरेंट कुकिंग यूटेंसिल्स जिनमें हम खाना पकाते हैं. अगर आप अपने इस बैग में देखोगे यू विल फाइंड बुक्स, क्लोथ्स, नोटबुक्स, यू विल फाइंड टॉयज, ये सारी चीजें जो होती हैं इनमें अगर आप गौर से देखोगे तो इनमें डिफरेंट शेप्स होते हैं, इनकी शेप्स डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम थिंग्स आर मेड, सम थिंग्स आर राउंड, सम आर. थैंक यू. यहाँ पे अपलोड ये वीडियो प्रॉपरली नहीं होते हैं, ये तीसरा वीडियो है जिसका अब टाइम कम करने की कोशिश की, तो हम यहीं पे अपना ये टॉपिक ब्रेक करेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे खींचने की कोशिश करेंगे इसको. अल्लाह हाफिज़.